और अपना बेड तैयार हो गया है। ये देखिए पूरा अपना बेड पूरी तरह से तैयार हो गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द टूरर फैमिली। आज हम जा रहे हैं अपनी 2023 की सबसे बड़ी रोड ट्रिप पे, जहां हम करेंगे बहुत सारे स्टेट्स को कवर, मतलब जैसे हमने लास्ट ईयर किया था इस बार भी वैसे ही करने वाले हैं। और आज हम निकल रहे हैं चेन्नई से, और कितना टाइम हो गया, 9:45 हो गया। 8 बजे का प्लान था कि थोड़ा आराम से सो के उठेंगे, 8 बजे तक निकलेंगे, 9 बजे निकलेंगे, मगर 9:45 हो गया है। और अभी पूरा प्रिपरेशन कर ली है, गाड़ी में सामान लगा दिया है। गाड़ी दिखाऊंगा तो आप बहुत ही अलग ही बिल्कुल अच्छी तरह से आपको दिखेगा कि अरे यार क्या गजब प्लानिंग करी है, गजब अच्छी तरह से अरेंजमेंट किया है। तो गाड़ी में इस बार बहुत कुछ हमारा कैंपिंग, हमने स्कॉर्पियो इनको कैंपिंग कार बना दिया है पूरी तरह से। उसी में खाना, उसी में सोना, सब कुछ उसी में करेंगे। जहां तक कोशिश होगी हम सब कुछ उसी में रहेगा। हमारा पूरी तरह से हमने बेड बना दिया है उसको, जो आप थोड़ी देर में भी देखेंगे। बहुत ही शानदार रोड ट्रिप होने वाली है, बहुत ही एक्साइटेड है हम लोग लास्ट ईयर की तरह। तो बहुत ही शानदार रोड ट्रिप को कैंपिंग पूरी होगी, हम वहीं सोएंगे। गाड़ी में हमने पूरा बेड बनाया है, पूरा लेवल करके मैंने थर्ड रो निकाल दी है पूरी सीट। तो थर्ड रो निकालने के बाद क्या हुआ है, पूरी अच्छी तरह से लेवल हो गया है, और वहां पे हम लोग अपना पूरा गद्दा डाला है पूरी अच्छी तरह से, और याशी उसमें सोएगी, हम सोएंगे, सब उसी में सो सकते हैं, हमें होटल की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी। तो हमने पूरी स्कॉर्पियो को अच्छी तरह से एक कैंपिंग स्कॉर्पियो को बना दिया है, और आज हम लोग निकल रहे हैं चेन्नई से। तो बहुत ही शानदार ट्रिप होने वाली है। अगर आपने हमको अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि हमारे चैनल को ग्रो होने में हेल्प मिल सके। और अभी हम लोग कल निकल रहे हैं चेन्नई से। पहला जो है मेन जो हमें जाना है वो है केदारनाथ। तो केदारनाथ जाएंगे, वहां दर्शन करेंगे महादेव के, लास्ट ही जा नहीं पाए थे। और उसके बाद फिर हम लोग जाना है स्पीति वैली, जाना है स्पीति वैली के बाद संस्कार से होते हुए लद्दाख जाएंगे, लद्दाख के बाद फिर कश्मीर जाएंगे, और फिर और भी बहुत कुछ होते हुए सारा करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कितनी शानदार ट्रिप होने वाली है ये, और बहुत ही अल्टीमेट होने वाली है। और हम अभी सामान पैक कर रही है, हमने रात को ही सारा सामान पूरा गाड़ी में फिट कर दिया है। इसके अलावा थोड़ा बहुत सामान अभी भी बचा हुआ है, तो वो सब भी अरेंजमेंट करना है। और अभी यहाँ से निकल, हाँ याशी ने अभी हेयर कट कराया, देखिए कितने ऐसा लग रहा है जैसे कि ना बिल्कुल छोटा छोटा सा, जैसे छोटी छोटी सी मैं थी बिल्कुल वैसी लग रही है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और नीचे जाके आपको गाड़ी पूरी दिखाता हूँ कैसे हमने किया, और थोड़ा सा और को भी एक आपको सरप्राइज मिलेगा जो मैंने कराया, वो नीचे जाके ही दिखेगा आपको। फिर चलिए चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। और याशी ने एक एक छोटे छोटे से बैग टांग लिए, ये अपना एक खाने पीने का सामान है, इसमें एक कपड़े का है, और दो लैपटॉप वाले बैग हैं, एक में गैजेट्स वगैरह रखे हुए हैं सारे हमारे, एक में लैपटॉप वगैरह है, और ये सारा बोतल वगैरह का है। बाकी मोस्टली सामान तो हमने कल भेज ही दिया। हाँ, एक याशी का न्यू बैग, ये देखो कौन सा है, यूनिकॉर्न बैग। और अभी नीचे सारा सामान करना है और फिर आपको दिखाएंगे। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, जय सिया राम, बोलो साचे दरबार की जय, जय माता रानी। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ पर अभी हमारा है ऑडोमीटर में 3094, और ट्रिप ए वगैरह देखते हैं कितना है, इसको रीसेट करते हैं, ट्रिप ए रीसेट करते हैं, ट्रिप ए रीसेट, और इसके बाद ट्रिप बी रीसेट, ट्रिप बी रीसेट हो गई। और अभी यहाँ से चलते हैं 3094, देखते हैं कि कितना हो पाता है, या जब वापस आएंगे चेन्नई में कितना रहता है। हम लोग सोच के चल रहे हैं कि 10,000 किलोमीटर हो ही जाएगा, है ना, 10,000 हो जाएगा, हो सकता है, पक्का? चल नहीं होगा तो कोशिश करेंगे। और इतना ट्रैफिक है, इसको निकलने में ही हमें 1 घंटा लग जाएगा यहाँ से निकलते ही, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। मगर क्या है ना कि इतनी बड़ी ट्रिप पे जा रहे हैं तो उसका एक्साइटमेंट है ना, तो महसूस नहीं हो रहा है कि ये ना इतना ट्रैफिक है, वरना ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। और अभी हमने गाड़ी यहाँ रोक ली है अपनी, और देखिए ये है स्टिकरिंग वगैरह जो मैंने करवाया है अभी, टूर फैमिली का आगे भी करवाया है। और यहाँ पे अभी हम लोग अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, और ये मैंने स्टिकरिंग करवाई है अभी गाड़ी पे, द टूरर फैमिली, और इधर भी करवाया है चेन्नई टू कश्मीर जो जाएंगे हम, उधर से होते हुए आएंगे। और इधर ये मैंने एक कंपास का स्टिकर लगवाया है, और ये है स्पीति वैली,
जांस्कार, वहाँ भी जाएंगे। और फिर एक स्टिकर इधर है द टूरर फैमिली का, यहाँ पे अपना स्टोव लग गया है और चॉप हो गया, वो बढ़िया हो गया इसमें तो, सही है, बढ़िया है। और ये है हमारा पूरा सामान जो अपने टूल्स वूल्स के भरा हुआ है, अभी तो जैसा है, मगर अभी हम जब रात को स्टे करेंगे, पूरे को फ्लैट कर देंगे, वो सब कुछ बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो जाएगा। हमने करके देख लिया एक बार, आपको भी दिखाएंगे ताकि आप भी अपना गाड़ी में ऐसा बना सकें। तो पूरी अपनी गाड़ी को आप, चाहे कोई सी भी गाड़ी, छोटी है बड़ी है, कोई सी भी गाड़ी को आप अपना स्टे बना सकते हैं, स्टे होम की तरह पूरी तरह से आप उसमें स्टे करिए, सोइए। वो हम करने वाले हैं, वही हम करने वाले हैं अब, वो सब हमारा अब गाड़ी में ही रहेगा, खाना पीना भी हमारा होता रहेगा और रहना भी, स्टे का भी रहेगा। और आज क्या बनने वाला है, आज बनने वाला है ब्रेड। हाँ, अरे वाह, ये क्या पनीर। एक गद्दा भी बनवाया है जो हम पूरा फोल्डेड है, तो उसको पूरा पूरा बना के अपना बेड भी बना सकते हैं इसमें। तो ये सब कुछ नया करने वाले हैं, हमने कुछ नया करने की कोशिश करी है। और इस पूरी सीरीज में हम लोग कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सके गाड़ी में ही रहें, अपना खाना बनाएं, जहाँ तक हो सकेगा हम खुद करेंगे। और गाड़ी को एक तरह से कैंपर वैन बना दिया है हमने, पूरी तरह से अपनी स्कॉर्पियो को कैंपर वैन बना दिया है, इसी में खाएंगे, इसी में रहेंगे, सोएंगे। तो आप भी कर सकते हैं सेम ऐसा ही, आपके पास भले ही छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, कोई सी भी गाड़ी हो, आप सब उसी में अपना स्टे बना सकते हैं, उसी में अपना बेड बना सकते हैं। तो हम अभी तो ऐसे ही डाल रखा है सामान, जब रात को सोएंगे तब पूरा मैनेज करके बताएंगे आपको कैसे है। तो अभी ये पानी की बोतल है, एक बॉक्स में है सारे हमारे बर्तन है, एक बैग है अंदर ट्रॉली, उसमें कपड़े हैं, और एक ये ऊपर एक बैग है कपड़े हैं। तो सारा सामान ऐसे ही अभी तो हमने ऐसे ही फिट कर रखा है। और याशी अंदर सो रही है सीट पर, तो सीट को फोल्ड कर देंगे पहले और फिर पूरा गद्दा आ जाएगा और अच्छी तरह से मैनेज हो जाएगा सारा। हमने ट्राई करके देख लिया है, वो सब चीज़ें हम आपको दिखाएंगे शाम को, जब रात को जब हम सोएंगे। अभी तो नाश्ते का टाइम है, अभी तो ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। अभी तो ब्रंच हो रहा है, अभी तो ब्रंच करेंगे और फिर इसके बाद डिनर का होगा रात को। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे जब हमारा तैयार हो जाता है। ये मैं क्या क्या डाल दिया इसमें, इतना सारा पड़ेगा क्या? ये मसाले बॉक्स है हमारा जो हमने 2 साल पहले लिया था, तब से इसी को यूज कर रहे हैं। और ऐसे हम लोग इसको पूरा फिल कर लेंगे ऊपर से पूरा, और इसको फिर सैंडविच की तरह कर लेंगे और दबा देंगे। तो यही हमारा एक तरह से है ना पिज़्ज़ा टाइप का, इसमें सीजनिंग वगैरह डाल रखी है, पिज़्ज़ा सीजनिंग, अनियन और सारे मसाले वगैरह, और ऊपर से चीज़ भी पड़ेगा। अरे वाह, चीज़ भी पड़ेगा तो और मज़ा आ जाएगा। याशी को वैसे भी चीज़ बहुत अच्छा लगता है। हाँ मतलब मैं भी, मेरे को भी ऐसे चीज़ लगा के पनीर, ये पूरा पनीर का वो है, और चीज़ और पिज़्ज़ा सीजनिंग ऊपर से थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग और थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, उल्टा करके लगाओ, पूरा एक सैंडविच की तरह बहुत बढ़िया ये हो गया। ऐसे ही और सारे हो जाएंगे और अपना ब्रंच तैयार हो जाएगा। अपना कूड़ा अपने पास रखना है। हाँ, कूड़ा वगैरह तो हम वैसे भी कभी बाहर नहीं फेंकते हैं, ये तो हमको इतना एक एज अ टूरिस्ट और एज अ ट्रैवलर आपकी सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है कि आप स्वच्छता का ध्यान दें, क्लीनलीनेस का, एनवायरनमेंट को बचाएं, गंदगी ना करें, जैसे यहाँ बहुत लोगों ने गंदगी कर रखी है। हाँ, जब भी आप ट्रैवल करें तो एक मैसेज दें ताकि जो लोग आपको देखें वो थोड़े से इंस्पायर्ड हों कि हमको कभी है ना पानी वेस्ट नहीं करना है और गंदगी नहीं फैलानी है, जहाँ तक वो सब पूरा अपना सारा कूड़ा करकट जो भी आप कर रहे हैं वो आप अपना साथ लेके जाएं, और जहाँ मौका मिले आपको डस्टबिन वगैरह मिले वो आप उसको वहाँ पर डिस्पोज कर दें। तो ये सब चीज़ें तो आपको एज ए टूरिस्ट और ट्रैवलर होनी ही चाहिए। ये तैयार, अभी दो और
और याची सोते सोते खा रही है। याची उठो, देखो सो रही थी, देखो कैसे खा रही है। सब लोग कहेंगे कैसे याची तो बिल्कुल सोते सोते खाती रहती है। उठ जाओ बेटा, वीडियो वीडियो के नाम से देखो कैसे आंखें खुल गई है। जूस वो रखा पीछे रखा है बेटा। मैंने और याची ने शुरू भी कर दिया, अभी दो ब्रेड और बन रही है और वो खाएंगे और फिर यहाँ से आगे चलेंगे। क्या था याची, बढ़िया? और अभी पनीर फ्राई हो रहा है, याची भी बाहर आ गई है पनीर देख के। हाँ, पनीर निकाल निकाल के खा रही है। खाने का भी शुरू हो गया है। बैठने भी सही है। हाँ, बैठने का भी जगह। जूस पी रहे हो, दिखाओ। पोपट बिस्किट। और अभी हम चल दिए अपना खाने पी के, बहुत बहुत शानदार अच्छी तरह से हमारा कुकिंग भी हो गया। तो अपने दिखाया था ब्रेड चीज पनीर को मिक्स करके, बड़ा अच्छा लगा। इसके अलावा थोड़ा सा पनीर भी फ्राई कर लिया था, अभी थोड़ा सा आधा पनीर अभी बचा हुआ है। 250 ग्राम डाइस, आधा किलो का पैकेट था ना वो, तो 250 ग्राम फिनिश हो गया, 250 अभी बचा हुआ है लगभग आधा, तो अभी शाम को यूज कर लेंगे उसको। और अभी निकल लिए हैं, बहुत लंबा सफर होने वाला है अगले 3 या 4 दिन। चार दिन हो जाएगा, 4 दिन हमें सिर्फ रोड पे ही रहना है, इतना लंबा सफर होने वाला है। आज का प्लान है कि हम लोग पहुंचने वाले हैं चित्रदुर्ग से आगे बादामी करके जगह है, वहां रुकेंगे, वहां जाना है कल। आज तो नहीं पहुंच पाएंगे वहां पे क्योंकि आज रात को वहीं कहीं स्टे कर लेंगे पास उधर ही। और कल हमारा प्लान है कि बादामी केव्स करके जगह है, बहुत ही शानदार है, वो भी कर्नाटका में, बहुत ही शानदार, बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। हम्पी से थोड़ा सा पहले पड़ती है वो, देखना पड़ेगा किधर पड़ेगी क्योंकि लेफ्ट के लिए मुड़ना है उसको, तो वहां जाएंगे और फिर वहां से फिर आगे बढ़ते चलेंगे। फिर अपना वही पूरा रोड है महाराष्ट्र को क्रॉस करके, और फिर अपना एमपी को क्रॉस करके, फिर यूपी में जाके, बीच में हल्का सा राजस्थान भी पड़ता है और फिर यूपी में घुसेंगे, फिर अपने होम टाउन जाएंगे, एक दिन वहां रुकेंगे और फिर अपना आगे चले चलेंगे। तो बहुत लंबा सफर होने वाला है हमारा, हमारे साथ बने रहिए, हमें थोड़ा सा मोटिवेट करिए हमारे वीडियोस को लाइक और कमेंट करके, थोड़ा बताइए आपको कैसा लगा है। और हम जा रहे हैं केदारनाथ, तो अभी 25 तारीख से केदारनाथ यात्रा शुरू होने रही है और वहां के दर्शन शुरू हो जाएंगे और चार धाम की यात्रा भी शुरू हो रही है। हम केदारनाथ जाएंगे, लास्ट ईयर हम जब गए थे तो बद्रीनाथ जी के दर्शन करके आए थे, केदारनाथ जी के हमारे दर्शन रह गए थे, तो सोचा है कि इस बार भगवान ने बुलाया है तो अच्छी करके आते हैं, इस बार दर्शन करके आते हैं। तो आपको अगर पूछना है हमारी यात्रा के बारे में और केदारनाथ जी के दर्शन कैसे हो रहे हैं, हम सब आपको दिखाते चले जाएंगे, कैसे रहना है वहां पे, क्या अरेंजमेंट है, होटल हमने बुक नहीं किया है क्योंकि हमने सोचा अपनी गाड़ी में रह लेंगे और अपना बाकी का देख लेंगे आसपास का कुछ भी होगा तो, और अपनी गाड़ी में ही स्टे करेंगे, जो कुछ हो पाएगा तो करेंगे। और आप वहां जाकर दर्शन करेंगे, कैसे जाना है, क्या क्या फैसिलिटीज है, कितनी भीड़ है, सब कुछ आपको हम बताएंगे क्योंकि अगर कुछ दिन में ही हमारे दर्शन हो जाएंगे तो आप भी अगर आना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारी वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं, अभी दोपहर का वक्त है, 1:20 हो रहा है और काफी टाइम है, बहुत लंबा दिन होने वाला है बहुत बड़ा दिन होने वाला है, बहुत बड़ी रात भी होने वाली है, तो चलते हैं। और हमारी रोड ट्रिप की पहली बारिश हो गई है, पहले ही दिन बारिश, निकल से स्कॉर्पियो की भी पहली बारिश है ना, दिन बारिश क्या हो रहा है भाई दोनों का, टी टाइम नहीं, टी नहीं, टी नहीं, इस नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, ये घर से बने हुए चिवड़ा, चिवड़ा घर का चिवड़ा, पोहा, पोहा है, ड्राई फ्रूट्स हैं मिक्स करके और ये ड्रिंक के साथ। तो मैं थोड़ी प्लानिंग कर लूं आगे की, क्या क्या करना है, क्या कहाँ कहाँ जाना है, सबका प्लानिंग। तो ये हमारी कार एयरलाइंस की, इसमें खड़ी है, हम वेट कर रहे हैं डीजल का। और अभी आ रही है, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है, अभी हम टुमकुर से आगे निकले हैं, बेंगलोर से आगे टुमकुर पड़ता है, अभी जा रहे हैं चित्रदुर्ग की तरफ, तो बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है,
अभी हो गया है 9 o'clock और अभी हमने जस्ट खाना खाया था और अभी थोड़ा सा 5 मिनट पहले खाना खा के निकले हैं। तो बनाया नहीं क्योंकि बारिश हो रही है, ऊपर से यहाँ पर रातों की ज़्यादा जगह मिल नहीं रही है, तो बनाने का तो अभी नहीं बन पाएगा। अभी खाना खा के निकले हैं तो अभी निकल रहे हैं कि 2-3 मिनट तक 12 बजे तक चला लेंगे और फिर कोई टोल वगैरह आएगा तो वहाँ जाके अपना स्टे करेंगे। और बेड वगैरह भी लगाना है, मतलब अपना गद्दा लगाना है, बेड रेस्ट बनवाया है वो भी लगवाना है, तो वो भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। खाने में दाल खाई और नमक रोटी, दाल तड़का बहुत ही अच्छी दाल थी। कौन सा होटल था? होटल कामधेनु करके है यहाँ पे टुमकुर से, टुमकुर चित्रदुर्ग रोड पे। बहुत ही अच्छा था खाना, अच्छा था। होटल थोड़ा छोटा सा ही है वैसे, मतलब ज्यादा हाई फाई टाइप का नहीं था, पर दाल बहुत जबरदस्त थी। फ्री में सैलेड देना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे होटल तक मसाला पैसे लगा देते हैं। यहाँ पर खीरा, कुकुम्बर, अनियन, लेमन, नींबू दिया भाई, ये तो है यार। कहते हैं छोटे जो रेस्टोरेंट होते हैं ना वो आपको सैलेड फ्री में, हाँ ढाबे फ्री दे देंगे, और बड़े रेस्टोरेंट उसी का है ना 100-150 रुपए लगा लेंगे। और अपना बेड तैयार हो गया है, ये देखिए पूरा अपना बेड पूरी तरह से तैयार हो गया है। अभी ऐसी आई, अरे वाह, ये होता है बेड तो पूरा तैयार। और जो थोड़ा बहुत जो सामान एक्स्ट्रा जो यहाँ रखा हुआ था वो हमने अपनी सीट पे रख दिया, सारा सामान यहाँ आ गया, इधर पूरे इसमें आ गया है और पूरा बेड बन गया अपना। पूरा 6 फीट का है ये, पूरा 6 फीट और 4 फीट का विड्थ बनाया है, थोड़ा सा बड़ा है हमने क्योंकि कस्टम मेड में बनवाया है। जो हम नॉर्मल बेड आता है उसमें नई साइज आ रहा था, छोटा पड़ रहा था, तो हमने नया बनवाया, ये पूरा कस्टम मेड। तो बोल के कि भाई इतना विड्थ होना चाहिए, इतना लेंथ होना चाहिए, तो पूरा मेजरमेंट करके तो पूरा आ गया। 3 पार्ट्स में है ये, 3 फोल्ड में है, आसानी से फोल्ड भी हो जाता है। यासी तो मस्त अपना सो भी गई है। सही है भैया, सही है। और यहाँ पे हमारा सारा सामान जो थोड़ा बहुत था वो एक्स्ट्रा यहाँ पे हमने डंप कर दिया है, पूरी तरह से यहाँ पे डंप कर दिया है। थोड़ा सा है, लाइट वाइट जलाता हूँ। ये देखो अब यहाँ पे सारा सामान डंप कर दिया है, और जब अभी चलेंगे सुबह तो पीछे कर देंगे इसको सामान को, तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा और हमारे को परेशानी भी नहीं होगी। तो चलते हैं, बस अभी फिनिश करते हैं इसको, सेट हो गया। 10 मिनट लगा पूरा सेट करने में ज्यादा से ज्यादा। और अनामिका भी आ गई है, और हाँ बैठ के भी सही लग रहा है, हाँ बैठ के भी सही आ रहा है। स्कॉर्पियो एन कैंपिंग बना दिया हमने, टेंट बना दिया, क्या कर लिया पूरी तरह से, हाँ कैंपिंग कार हो गई है हमारी। कहीं भी आप कोई परेशानी नहीं होगी, अब कहीं भी जब भी जरूरत पड़ा करेगी कर लिया करेंगे, जहाँ तक कोशिश होगी थोड़ा सा, जहाँ पर नहीं पलेगा। हाँ मैनेजेबल है ना, आराम से आराम से। और सही है, पूरा फ्लैट भी है, ऐसा नहीं है कहीं से ऊंचा नीचे आ रहा हो, पूरा फ्लैट आया है, तो अच्छी तरह से सेट किया हुआ है सामान। हाँ मिलते हैं फिर, सुबह मिलेंगे फिर आपसे। हाँ ठीक। और हम तीनों अभी आके अपना लेट गए हैं, सो गए हैं कार में, लेट गए हैं, हाँ सोने वाले हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है आज हमारा पहला दिन यहाँ पे, फिर उसके हिसाब से आगे का सेटल किया करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा पूरी तरह से एडजस्ट होने में, मगर धीरे धीरे करके एडजस्ट होते चले जाएंगे। तो आराम से तीनों सोए हुए हैं आराम से, और अच्छी जगह है, बहुत आराम से सोए हुए हैं। देखते हैं फिर सुबह मिलते हैं फिर आपसे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और बताइएगा कि आपको हमारा एक्सपीरियंस कैसा लगा। चलिए चलते हैं, जय हिंद जय भारत।